अस्सलामुअलैकुम जमा शिशम, खुश आमदीद। हमने आज जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है सबक कठपुतलियाँ, मुसन्निफा सदफ कलीम। इस सबक की मुसन्निफा सदफ कलीम इस सबक में कठपुतलियों के बारे में बता रही हैं कि कठपुतलियाँ 4000 साल पुरानी हैं और पुराने ज़माने में लोग दूर दराज इलाकों से पुतलियों का तमाशा देखने आते थे और ख़ूब लुत्फ़ उठाते थे। इस सबक में मुसन्निफा पुतलियों के मुख्तलिफ़ अकसाम की वजाहत कर रही हैं और उनकी बनावट के बारे में मालूमात फराहम कर रही हैं। आइए अब हम सबक कठपुतलियों पुतलियाँ की बुलंदखानी करते हैं। बच्चों, अंकल सरगम को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। जी हाँ, वही अंकल सरगम जो पाकिस्तान टेलीविज़न पर आके आपको मज़े मज़े की बातें सुनाते हैं। आपको तो मालूम है कि अंकल सरगम और उनके तमाम साथी दरअसल कठपुतलियाँ हैं जिनको कुछ और लोग हरकत देते हैं और उन्हीं लोगों की आवाज़ों और जुमलों पर उन पुतलियों के होंठ हरकत करते हैं। पुतलियों का तमाशा देखने में बड़ा मज़ा आता है। हज़ारों साल पहले भी लोग पुतलियों का तमाशा मज़े ले लेकर देखा करते थे। जी जनाब, पुतलियाँ हज़ारों साल पहले भी इस दुनिया में मौजूद थीं। आइए आज आपको पुतलियों के बारे में बहुत सी दिलचस्प और मालूमती बातें बताएं। पुतलियाँ पुराने ज़माने में चूँकि सिर्फ लकड़ी से बनती थीं इसलिए उनको कठपुतली कहते थे। अब पुतलियाँ दूसरी बहुत सी चीज़ों से बनने लगी हैं इसलिए उन्हें सिर्फ पुतली भी कहने लगे हैं। अंग्रेज़ी में इन्हें पपेट कहते हैं। माहिरीन का कहना है कि कठपुतलियाँ 4000 साल पहले भी एशिया के उस इलाके में बनती थी जहाँ अब पाकिस्तान और भारत वाक़िया है। इस ज़माने में ये कठपुतलियाँ मजहबी ड्रामों में इस्तेमाल होती थीं। उस किस्म के ड्रामों में इंसानों को अदाकारी करने की इजाज़त नहीं थी। चीन में भी 2000 पहले पुतलियाँ नचाई जाती थीं। मिस्र, यूनान और रोम के खंडरात से भी कठपुतलियाँ मिली हैं। खंडरात का मतलब होता है पुरानी इमारतें। पुतलियाँ कई तरह की होती हैं और उनको नचाने के तरीके भी अलग अलग हैं। आइए हम आपको पुतलियों की किस्मों के बारे में बताएं। सबसे पहले हम दस्ती पुतली पढ़ेंगे। दस्त का मतलब होता है हाथ। इस किस्म की पुतली अंदर से खोखली होती है, मतलब खाली होती है, और उसमें पुतली नचाने वाला अपना पूरा हाथ दाखिल कर देता है। इस पुतली की टांगें नहीं बनाई जाती। इस आधी पुतली को किसी मेज़ या स्टेज की आड़ में इस तरह बिठा दिया जाता है कि लगता है कोई आदमी बैठा हुआ है और उसकी टांगें नज़र नहीं आती हैं। पुतली नचाने वाला एक हाथ से इसके सर को हिलाता है, दूसरे हाथ से इसके बाजुओं को या उंगलियों को हरकत देता है। हरकत देना, हिलाना। दस्ती पुतली का जिस्म आमतौर पर कपड़े से बनाया जाता है और सर बनाने के लिए लकड़ी, कागज़ या रबड़ इस्तेमाल कर लेते हैं। दस्ती पुतली को एक आदमी संभाल सकता है। अब पढ़ेंगे धागा पुतली। बारीक डोरियों, धागों या तार की मदद से नचाई जाती हैं। पुराने ज़माने में जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था तो मज़हबी रहनुमा कहते हैं मज़हब के मुताबिक राह दिखाने वाले को। इन पुतलियों के ज़रिए लोगों को मज़हबी कहानियाँ सुनाया करते थे। बाद में लोगों ने इन पुतलियों को दिलचस्प खेलों और तमाशों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो इबादत गाहों में इन पुतलियों को इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। धागा पुतली का जिस्म आम तौर पर मुकम्मल होता है। सादा किस्म की पुतली में 3 डोरियां होती हैं लेकिन ज़्यादातर पुतलियां अब 8 या 9 डोरियों की मदद से नचाई जाती हैं। आम तौर पर पुतलियों की डोरियां उनके सर, कंधों, हाथों और घुटनों को लकड़ी के एक फ्रेम से मिलाती हैं। पुतली नचाने वाला स्टेज के ऊपर छुपकर इस फ्रेम को हरकत देता है जिससे डोरियां खींचती हैं और ज़रूरत के मुताबिक पुतली के हाथ, पांव, सर या आँखें हिलती हैं। पाकिस्तान में तवील अरसे तक यही धागा पुतलियां इस्तेमाल होती रही हैं। पुतली नचाने वाला गली गली घूमकर पुतली तमाशा दिखाया करते थे। वो चारपाई की आड़ कहते हैं सहारे को लेकर बैठ जाते और डोरियों की मदद से पुतलियों को नचाया करते थे। सलाख पुतली।
सलाख कहते हैं लोहे की। सलाखों या छड़ियों की मदद से नचाई जाती है। आम तौर पर इस किस्म की पुतली का जिस्म मुकम्मल नहीं होता और उसे भी स्टेज पर इस तरह दिखाया जाता है कि उसकी टांगें नज़र ना आए। पुतलियों के हाथों और बाजुओं में सलाखें लगी होती हैं। सलाख पुतली की एक खूबी ये है कि उसकी मदद से इंसानों और जानवरों के अलावा दूसरी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं, मसलन बादल, फूल, दरख्त, गाड़ी वगैरह। सलाख पुतली को मोड़ना आसान होता है। अब हम पढ़ेंगे साया पुतली। इस पुतली के तमाशे में देखने वाले पुतली नहीं बल्कि उसका साया देखते हैं। यूँ तो इस किस्म के तमाशे में हर तरह की पुतली इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन आम तौर पर किसी भी इंसान या जानवर की चपटी सी शक्ल बना ली जाती है जिसके साथ सलाखें या तार जुड़े होते हैं। पुतली को एक बारीक रेशमी या सूती पर्दे के पीछे नचाया जाता है। आप सोचेंगे कि देखने वालों को तो सिर्फ पर्दा नज़र आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता यह है कि पुतली के पीछे से और ऊपर से उस पर तेज़ रोशनी डाली जाती है। इस तरह पुतली का साया पर्दे पर पड़ता है जो पर्दे की दूसरी जानब बैठे तमाशाइयों को नज़र आता है। एक और किस्म की पुतली मपट कहलाती है। मपट इतनी बड़ी होती है कि उसमें पुतली नचाने वाला खुद घुस जाता है और जब वो चलता है या हाथ हिलाता है तो मपट भी हरकत करती है। कभी कभी तो मपट इतनी बड़ी होती है कि उसके अंदर दो दो आदमियों को घुसना पड़ता है। मपट आमतौर पर फॉम, रबड़ या प्लास्टिक से बनती है। पुतलियों की आम किस्मों के अलावा आबी पुतलियाँ भी नचाई जाती हैं। ये पुतलियाँ लकड़ी के ऐसे शहतीरों पर नाचती हैं जो झील के पानी पर तैरते रहते हैं। शहतीर कहते हैं बड़ी घड़ी जिस पर छोटी घड़ी रखी जाती है। उन पुतलियों से डोरियां बंधी होती हैं और खासी दूर से उन डोरियों को हरकत देकर उन पुतलियों को नचाया जाता है। आबी पुतलियों को नचाना आसान काम नहीं और इसके लिए बड़ी महारत की ज़रूरत होती है। पुतली नचाने वाले स्याह कपड़े पहनकर बिल्कुल अंधेरे स्टेज पर आते हैं। इस तरह वो तमाशाइयों को नज़र नहीं आते। रोशनी से पुतली पर डाली जाती है या फिर पुतली पर ऐसा रंग किया जाता है जो रोशनी पड़ने से चमकने लगता है। पुतलियों को फिल्मों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने फिल्मों में बड़े बड़े जानवर, गोरीले या अजदहे वगैरह देखे होंगे। ये भी पुतलियाँ ही होती हैं जिन्हें या तो मशीन या बिजली की ताकत से चलाया जाता है या रेडियाई लहरों से कंट्रोल किया जाता है। सादा सी दस्ती पुतली तो आप खुद भी बना सकते हैं। जब किसी मेज़ की आड़ से आप उस पुतली को हरकत देंगे और पुतली की आवाज़ बनाकर बोलेंगे तो आपके दोस्तों को बड़ा लुत्फ आएगा। आइए हम मशकी सवालात में अल्फाज मायने और अल्फाज जुमले मुकम्मल करते हैं। पपट पुतली, खंडरात पुरानी इमारतें, दस्ती पुतली हाथ की पुतली, मजहबी रहनुमा मजहब से मुतालिक राह दिखाने वाला, खोखला खाली, माहिर तजुर्बाकार, तवील अरसा लंबा वक्त, आबी पानी, शहतीर बड़ी घड़ी जिस पर छोटी घड़ियाँ रखी जाती हैं, हरकत हिलना, तमाशा खेल। आइए अब हम दर्ज ज़ेल अल्फाज के जुमले बनाएं। दस्ती पुतली, मेरे दोस्त के अब्बू दस्ती पुतली बनाते हैं। माहिर, मेरा दोस्त बातें करने में माहिर है। आबी, समंदर में आबी जानवर पाए जाते हैं। तमाशा, मैं पुतलियों का तमाशा बड़े शौक से देखता हूँ। हरकत, पुतलियों को कुछ और लोग हरकत देते हैं। बच्चों, ये तमाम काम आपको अपनी उर्दू अदब की कॉपी में मुकम्मल करना है।